हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो लाइफ हिस्ट्री होती है सिल्क मोथ की, ठीक है, रेशमी कीड़ों वाले जो सिल्क बनाने में मदद करते हैं, और फ्रॉग की, वो काफ़ी सारे स्टेजेस से होके वो अडल्ट बनते हैं। ठीक है, जैसे कि कैटरपिलर हो गया, हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस से पास करना पड़ता है कैटरपिलर को अडल्ट मोथ बनने के लिए। सिमिलरली टेडपोल को काफ़ी स्टेजेस पास करनी पड़ती है एक फ्रॉग बनने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। तो लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ कैसे है, तो पहले फीमेल मोथ जो करती है बड़े सारे छोटे छोटे टाइनी एग्स को ले करती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, कैटरपिलर फीड ऑन मलबेरी लीव्स फॉर अबाउट 3 to 4 weeks। तो कैटरपिलर जो होते हैं वो मलबेरी लीव्स में क्या करते हैं, फीड करते हैं, उसको खाते हैं 3 से 4 weeks तक ईच ऑफ देम, देन स्पिन्स अ ककून अराउंड इटसेल्फ। तो हर कोई, मतलब जो मोथ है, लार्वा है या आप कह सकते हैं, वो अपने आसपास स्पिन करता है ककून। ठीक है, ये ककून आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। द कैटरपिलर चेंजेस इनटू द प्यूपा इनसाइड द ककून। तो ककून के अंदर कैटरपिलर किस में चेंज हो जाता है, कैटरपिलर चेंज हो जाता है प्यूपा में। ठीक है, फिर वो बाद में अडल्ट मोथ बनता है। आप सेम साइकिल यहाँ पे भी देख सकते हैं, सेम ही एक्सप्लेनेशन है। तो और डिटेल में आप ये देख सकते हैं, ये है एग, एग से क्या बना, सॉरी, एग से लावा, ककून, देन अडल्ट मोथ। ये है लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। तो सबसे पहला पॉइंट हम देख लेते हैं, अडल्ट फीमेल मोथ लेज अराउंड 500 eggs। तो 500 eggs ले कर लेती है अडल्ट फीमेल, अडल्ट मोथ। ठीक है, और एग हैच एंड दी स्मॉल लार्वा और द सिल्क वर्म कम आउट एंड फीड ऑन द मलबेरी लीव। जब एग हैच होते हैं, फुटते हैं, तो वो मलबेरी लीव्स को खाते हैं। तो ये जो लार्वा खा ईट करते हैं या ग्रो करते हैं, अबाउट 30 to 35 days लग जाते हैं खा खा के इनको बड़े होने में, और फिर बाद में ये अपने आसपास ककून को स्पिन करना शुरू कर देते हैं। फिर ये पॉइंट देखिए, द प्यूपा स्टेज ऑफ द सिल्क वॉर्म स्टेज इन साइड द ककून। जो प्यूपा स्टेज होती है सिल्क वॉर्म की, वो ककून के अंदर ही होती है प्यूपा स्टेज, ये भी आपको पता होना चाहिए, वो ककून के अंदर ही होती है। ककून आर यूज टू ऑब्टेन सिल्क वॉर्म। तो ककून जो इसके बाहर वाला एरिया होता है, ककून को ही यूज़ किया जाता है सिल्क फाइबर को बनाने के लिए। अगर प्यूपा ग्रो हो गया तो अडल्ट मोथ क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, ककून को अडल्ट मोथ क्या करेगा, ब्रेक करेगा ककून को, और क्या होगा, इमर्जेस आउट आफ्टर 2 to 3 weeks। तो 2 to 3 weeks में वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पूरी जो मैंने आपको बताई है, आई होप को क्लियर हुई होगी। ये जो थी, ये लाइफ साइकिल थी सिल्क फॉर्म की। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।